नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमावत आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल उज्जवल क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं एक सेट ए पर कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बनाए जा सकते हैं। सेट ए पर मतलब है सेट ए से ए में कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बनाए जा सकते हैं, परिभाषित किए जा सकते हैं। मान लो कि सेट ए का ऑर्डर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। कहने का मतलब सेट में अवयवों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5 कितनी भी आए तो उस सेट से उसी पर कितने इक्विवेलेंस रिलेशन परिभाषित किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, तो हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, एंड तक ज़रूर बने रहिए। तुल्यता संबंधों की संख्या ज्ञात करना हम सीखेंगे। समुच्चय ए पर परिभाषित तुल्यता संबंधों की संख्या यहाँ पे देखेंगे। अब ए का मतलब होता है दोस्तों ए से ए में, यहाँ पे लिखा हुआ है ए पर। ए पर का मतलब हुआ ए से ए में कितने तुल्यता संबंध बन सकते हैं। तो अलग अलग केसेस आएंगे अपने पास। सेट ए का जो ऑर्डर है वो 1 हो तो कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे यहाँ पे, यानी कि तुल्यता संबंध कितने बनेंगे। सेट ए का ऑर्डर 2 होंगे तो कितने बनेंगे, 3 हो ऑर्डर तो कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे, और 4 ऑर्डर हो तो कितने बनेंगे। इसी प्रकार से 5, 6, 7, 8 के लिए देखेंगे। तो बिल्कुल शॉर्ट फार्मूला है, बहुत ही सरल और साधारण भाषा में हम बात करेंगे। तो आपको इस पैटर्न को समझना पड़ेगा दोस्तों। एन बराबर 1 के लिए बात करेंगे तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 1, यानी कि यदि सेट ए में केवल 1 ही अवयव है तो ए पर परिभाषित तुल्यता संबंधों की संख्या केवल क्या होगी, 1 होगी। इसी प्रकार से यदि सेट में 2 अवयव है, यानी कि उसका ऑर्डर 2 है, तो तुल्यता संबंधों की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों आपको 1 तो लिखना ही है, उसके जस्ट बाद में यहाँ पे नीचे 1 लिखना है और इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिख देना है 2। यदि उस सेट में 2 अवयव है दोस्तों तो यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशनों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। इसी प्रकार से जब 3 होगा तो यहाँ पे जहाँ एंड हुआ है ना तो वहीं से चालू करना है अपने को, तो यहाँ पे 2 से स्टार्ट करेंगे, इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे तो कितने आए, 3। फिर इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे कितने आए, 5। तो जब सेट का ऑर्डर क्या हो, 3 हो, तो उस स्थिति में इक्विवेलेंस रिलेशनों की संख्या बनेगी 5। इसी प्रकार से जैसे 4 हो दोस्तों तो जहाँ पे एंड हुआ वहीं से चालू करना है आपको, 5 आ गया यहाँ पे और इन दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया, 7 आ गया। फिर इन दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया, 10 आ गया, और इन दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया, 15। तो यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशनों की संख्या होगी 15। सिमिलरली हम ऐसे देख सकते हैं जब ए का ऑर्डर क्या हो, 5 हो, तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, जहाँ पे एंड हुआ था वहाँ पे ही स्टार्ट होगा। तो यहाँ 15 से स्टार्ट करेंगे, इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे 20 आ गया, इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखेंगे 27 आ गया, इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिखेंगे 37 आ गया, और इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिखेंगे 7 और 5 12, और यहाँ पे 3 1 4 और 1 5 सुपर, तो 52 इक्विवेलेंस रिलेशन बन पाएंगे दोस्तों। इसी प्रकार से जब एन बराबर ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, 6 होगा, तो ये 52 से स्टार्ट होगा दोस्तों, 52। फिर इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिख देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 और 2 7, और यहाँ पे 6 67। फिर इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 87। फिर इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखना है, फिर यहाँ लिखना है, फिर आगे जाना है। तो ये है ना मजेला एक ट्रिक्स, और बहुत ही आसान है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। एक बार फिर से मैं दोहरान कर देता हूँ, एन बराबर 1 होगा यानी कि उसकी कोटि क्या हो, 1 हो, तो केवल 1 ही इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। यदि उसकी कोटि 2 हो सेट की तो यहाँ से 1 लिखना है और उसके आगे इन दोनों को जोड़ के यहाँ पर लिख देना है। 3 के लिए क्या होगा, ये 2 पे एंड हुआ था तो 2 से ही चालू करना है और इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिख दिया 3, और इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिख दिया 5। अब 4 के लिए ये 5 से ही स्टार्ट होगा तो यहाँ पे 5 आ गया, तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ के 7 लिख दिया, इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे 10 लिख दिया, इन दोनों को जोड़ के 15 लिख दिया। तो 15 क्या हो गया, जब कोटि 4 होगी सेट की तो उस स्थिति में 15 इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे सेट ए पर।
पाँच होगा तो ये 15 से एंड हुआ था, तो 15 से चालू होगा दोस्तों, तो यहाँ पे 15 आ गया, इन दोनों को जोड़ के 20, इन दोनों को जोड़ने पे 27, इन दोनों को जोड़ने पे 37 और इन दोनों को जोड़ने पे 52। तो सेट एक की कोटि 5 होने पर इक्वलेंस रिलेशन कितने बन रहे हैं, 52 बन रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी ट्रिक्स है तुल्यता संबंधों की, और भी मैं आगे लेके आऊँगा ऐसे ट्रिक्स जिसमें आप ट्रांजिटिव रिलेशनों की संख्या ज्ञात कर पाओगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशनों की संख्या ज्ञात कर पाओगे, सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक रिलेशनों की संख्या ज्ञात कर पाओगे। धन्यवाद दोस्तों।